हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआरटीएन ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टिशन फॉर्म, पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, आज हम न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल में बेसिकली सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट, मींस आज का जो टॉपिक होगा वो अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म होगा, कि अकाउंट के दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रोसीजर होंगे, अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशंस ऑफ फर्म, कौन कौन से खाते बनाए जाएंगे, प्रोसीजर माने विधियां, गतिविधियां कौन कौन सी होंगी, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑन फर्म्स, मीन्स दैट दीज आर द फोर अकाउंट्स आर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्स्ट इज द रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, थर्ड इज द पार्टनर्स लोन अकाउंट, एंड फोर्थ कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो दीज आर द मेन अकाउंट्स मेंटेन इन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट इज द मेन एंड नेसेसरी अकाउंट है। इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक इज द रियलाइजेशन, मीन्स अकाउंटिंग प्रोसीजर्स आर इन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स, और फर्स्ट में आपका आ रहा है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। चलो जी, हम चलते हैं मेन नेसेसरी अकाउंट फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट रूल्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जैसे रिवेल्यूशन अकाउंट को एक नॉमिनल अकाउंट बोला जाता था, वैसे ही हमारा रियलाइजेशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ओके, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे बनाया जाता है, नो रट्टाफिकेशन आपको मैं जो समझाने जा रहा हूँ, आपको क्या गिवन होगा, आपने रियलाइजेशन कैसे बनाना होता है। आपको हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, आइदर नहीं है तो बैलेंस शीट आपको बनानी होगी। और बैलेंस शीट आप कैसे बनाते हैं, हेयर द बैलेंस शीट ऑफ द एबी लिमिटेड एज वेल दिस साइड इज द लायबिलिटी अमाउंट इन रुपीस एंड एसेट्स एंड अमाउंट इन रुपीस। ओके, आपने जब बनाएंगे तो इसका टोटल बराबर बराबर होता है। जब रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे तो कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले मैं इसकी जर्नलिज्म एंट्री बताऊंगा, फिर उसके बाद अकाउंट। बैलेंस शीट आपको या तो दी होगी या आपने बनानी होगी। चलो फर्स्ट एंट्री रटना मत, एंट्री को समझना क्या एंट्री है। पहली एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, जितनी भी एसेट्स है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देना। रियलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता। किसको वसूल करेंगे, ऑल एसेट्स आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज पेड, जितनी भी एसेट्स होगी फर्म के अंदर उनको सभी को अब बेचा जाएगा और जो लाइबिलिटी मांगने वाले हैं उनका भुगतान होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या देंगे उसको, सन्ड्री एसेट्स, विविध संपत्तियाँ जो भी होंगी वो सारी की सारी ट्रांसफ़र कर देंगे। जब एसेट दी है तो लायबिलिटी भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो सेकंड एंट्री क्या होगी, इसकी रिवर्स कर देना, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो समझ में आ गई ना, इस एंट्री से तो ये बना दी एंट्री, इसमें रियलाइजेशन डेबिट था, इसमें रियलाइजेशन क्रेडिट है, इसमें एसेट्स क्रेडिट है, इसमें डेबिट है, तो एंट्री क्लियर होगी, समझ में आ गई। चलो जी, आपको दो एंट्री समझ आए तो तीसरी देखो,
इन एसेट्स को हम सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, बेचेंगे तो रुपया आएगा। तो हमारी एंट्री तीसरी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कई विद्यार्थी एक एंट्री खुद कहते हैं जी हम बना देंगे, इन लायबिलिटी की जो पेमेंट होगी उसकी एंट्री रिवर्स कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप देखो इन चारों को रटो मत, आपस में कंपेयर करो और उनको समझो। सबसे पहले आपने क्या किया है, ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। उसके बाद आपने क्या किया है, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री इससे रिलेट होगी। इस एसेट्स को बेचा, बेचने पर रुपया आता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जब पेमेंट की तो रियलाइजेशन टू बैंक। तो यहाँ तो कोई रट्टाफिकेशन आए ही नहीं, सिर्फ समझना है जो आपने समझा। चलो आप थोड़ी सी बात और बढ़ाते हैं, जब ये एसेट बेची गई तो पैसा आया। कोई पार्टनर कहता है कि इस एसेट्स को, जस्ट फॉर एग्जांपल फर्म जब डिजोल्व होगी तो उसमें एक एयर कंडीशनर था एसी 50,000 रुपये का, और एक पार्टनर कहता है कि इस एसी को भी मैं लूँगा, अगर मार्केट में हम इसको बेचते तो 50,000 रुपये हमारे पास नकद आते हैं। कोई पार्टनर अगर कहता है कि इस एसी को मैं टेकन करूँगा, मैं घर लेके जाऊँगा, तो आपने कुछ नहीं करना, बैंक की जगह उस पार्टनर का नाम लिख देना है। ओके, समझ में आ रही है। ए ने कहा इस एसी को मैं लूँगा, तो हम एंट्री पता क्या करेंगे, फिफ्थ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ नहीं किया मैंने, बैंक की जगह एक का नाम लिख दिया है खाली। क्यों लिखा, किसने कहा कि ए मैं लूँगा, अभी एसी नकद बिकता तो बैंक होता, अब उसकी कैपिटल से पैसा काट लेंगे, बात एक ही है। कोई पार्टनर कहता है भी पेमेंट मैं करूँगा, जैसे क्रेडिटर था मेरे पड़ोस में रहता जी, मैं दूंगा उसके पैसे, तो पार्टनर देगा तो हम देंगे तो टू बैंक। और कोई पार्टनर देता है तो एंट्री क्या कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी जिसका नाम हो ए बी सी में कोई भी दे उसका नाम लिख देंगे। इज दैट क्लियर, जैसे मैंने यहाँ ए लिखा, बी देता तो बी का लिख देंगे, ए देता ए सी है तो सी, कोई भी पार्टनर दे उसका नाम लिख देंगे। तो फिफ्थ और सिक्स्थ हमने वैसे समझ में आ गई क्या थी, कुछ नहीं कहा मैंने, कहा है बैंक की जगह उस पार्टनर का नाम लिख देते हैं। इज दैट क्लियर। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको 6 एंट्रियों से मैंने वाकिफ करवाया, एंट्री 6 के अलावा नहीं है एक भी, बुक के अंदर चाहे कुछ भी दे रखे हो, 6 एंट्री के अलावा 7वीं एंट्री नहीं मिलेगी, 6 ये होगी। अब इसको बनाने पर इस अकाउंट को, डियर स्टूडेंट, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब प्रॉफिट अगर होता है तो रिवैल्यूएशन की तरह, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट से तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट का पैसा किसको मिलना चाहिए, पार्टनर को मिलना चाहिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। अब तो फर्म भाई नई कहाँ से बनेगी, फर्म डिजोल्व हो रही है, तो जो उनका पुराना अनुपात है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इफ लॉस है तो जस्ट एंट्री द रिवर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप दैट आपको रियलाइजेशन की हर एंट्री बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। आई रिपीट अगेन, ओरली मैं ओरल से मैं फिर समझा देता हूँ, एक बार समझना, नो रट्टाफिकेशन। पहली एंट्री है बैलेंस शीट में दो साइड होती है, लाइबिलिटीज और एसेट्स, हमने बेस बना लिया, भाई लाइबिलिटीज और एसेट्स आपको मिलेगी, तो सबसे पहले सारी एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, और लायबिलिटी करेंगे तो रिवर्स कर देना, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब इनको हम बेचेंगे, बेचने पे पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और जब जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री मैंने ये की है जब कोई पार्टनर कहता है कि मैं लूँगा तो बैंक की जगह उस पार्टनर का नाम लिख देना। इज दैट क्लियर। बनाने पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है तो प्रॉफिट होगा, और खर्चे ज़्यादा इनकम कम है तो आपको लॉस हो गया। इज दैट क्लियर।
तो प्रॉफिट होने पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और लॉस होने पर पार्टनर डेबिट हो जाएंगे टू रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? आई होप दैट रियलाइजेशन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब ये अकाउंट बनता कैसे? जनरल एंट्री आ गई। जनरल आने के बाद तो रियलाइजेशन, सो सिंपलिसिटी भी रियलाइजेशन को आप आसानी से बना सकते हैं। चलो जी, फिर भी रियलाइजेशन में क्या क्या ट्रांसफर्ड होता है हम एक बार रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आपको शो कर रहे हैं एक अकाउंट बनाकर। लो भी ये लिखा रियलाइजेशन, द फॉर्मेट ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट ऊपर लिख दिया। दो साइड होती है भाई, डेबिट और क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले क्या है भाई, पहली एंट्री क्या थी? आपने कहा था टू सन्ड्री एसेट्स, माने ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स है वो इधर लिख देना। लिख दी ऑल एसेट्स इधर लिखी, तो सबसे पहले क्या लिखना देखो, सबसे पहले आप लिखना बाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अगर हो तो, और उसके बाद जितनी भी आल लाइबिलिटीज हैं जिनका पैसा देना है वो सारी लिख दे जाओ। लिख दिया, अब क्या करना है, इन एसेट्स को बेचना है। ये बेचेंगे तो रुपया आएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक जितनी भी ऑल एसेट्स बिकी हैं, तो इधर लिखेंगे टू बैंक जिनका भी हमने पैसा दिया है, पेमेंट किया है, ऑल लाइबिलिटीज उनकी हमने पेमेंट लिख दी। किसी पार्टनर ने कहा कि मैं लूँगा, तो हम उस पार्टनर का नाम लिख दें यहाँ पे, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक की जगह उसका नाम। कोई अगर टेकन करता है और देता है तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उस पार्टनर का नाम, और कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटी की पेमेंट करो, आए तो पैसा बाई बैंक, जाए तो टू बैंक, क्योंकि अब तो फर्म भाई डिजोल्व हो रही है, कोई भी पैसा कहीं से भी आ जाए वो इधर लिख देना, और कोई भी पैसा आपका जो जा रहा है वो इधर लिख देना। ओके, ये साइड अगर ज़्यादा हो जाए ये साइड, तो आपका प्रॉफिट होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये साइड ज़्यादा हो जाए तो बाय लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप दैट आपको रियलाइजेशन अकाउंट बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। रियलाइजेशन में तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सब फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, इस अकाउंट पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट इस डिजिटलाइजेशन में मेन नेसेसरी अकाउंट है। रियलाइजेशन हम कह सकते हैं कि हमारा 50% कवर अप करता है इस लेसन को। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, सारी एसेट्स यहाँ पर, सारी लाइबिलिटीज यहाँ पर। ओके, एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यहाँ ट्रांसफर कर देना। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप सीधे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। इज दैट क्लियर? चलो जी, रियलाइजेशन के बाद छोटे से टॉपिक की तरफ और बढ़ते हैं। ये बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट में डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा यहाँ पर जैसे जनरल रिजर्व लिखा हो, रिजर्व फंड लिखा हो, पी एंड एल लिखा हो, या आपने पी एंड एल यहाँ मिलेगा या पी एंड एल यहाँ मिलेगा। ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट होता है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर ये बैलेंस शीट में मिल जाए आपने वही ट्रीटमेंट करना है जो एडमिशन में पढ़ा है। क्या पढ़ा है जी एडमिशन में? हमने एडमिशन में आपने पढ़ा है इन सब को डेबिट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस
टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ नहीं कहा मैंने, कहा है कि इधर बैठा है तो पार्टनर डेबिट होंगे, इधर ये बैठे तो पार्टनर क्रेडिट होंगे। देखिए ये पैसा पार्टनर ने अपनी दिन रात मेहनत से और शिद्दत से बनाया है, तो ऑल मे बी ट्रांसफर्ड आर हियर, ऑल मे बी ट्रांसफर्ड आर हियर। आज के टॉपिक में सिर्फ आप दो चीज़ों पे कंसर्नमेंट करना डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपने करना है रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नलिज्म एंट्री, और जर्नल एंट्री में आपने रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, और एक बैलेंस शीट में अगर पहले ही दिया हो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड P&L, तो आप उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे। इधर क्या दे रखा है, P&L, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एट्सेट्रा। इज दैट क्लियर? आपको आई होप दैट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको ओली, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जो एडमिशन रिटायरमेंट का लेसन पढ़ा था, और रियलाइजेशन अकाउंट कब बन रहे हैं, जब आप ये लेसन पढ़ रहे हैं। इसको बनाने के पीछे क्या है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज हमारी घटती और बढ़ती रहती हैं, और इसके बनाने के पीछे ऑल एसेट्स आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज पेड ऑफ। रिजल्ट क्या है भैया, इसका रिजल्ट भी क्या, एसेट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट और लॉस होगा, और प्रॉफिट और लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अमंग द पार्टनर्स में ट्रांसफर किया जाता है। और इसके अंदर भी क्या है, फर्म का एंड है भाई, अगर इस अकाउंट को बनाने पे हमारी फर्म बंद हो जाती है, और इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी के डिफरेंस दिखाए जाते हैं, और इसमें एसेट्स आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज पेड ऑफ। और ये कब बनाया जाता है, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट लाइफ टाइम में बार बार बनाया जाता है, लेकिन रियलाइजेशन लाइफ में एक बार बनता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपके होमवर्क की तरफ चलते हैं। आपका होमवर्क क्या होगा, होमवर्क है कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में जितनी जर्नलिज्म एंट्री है एंड फॉर्मेट इन द प्रैक्टिस नोटबुक, एंड आल्सो इन द आपने फेयर नोटबुक में भी सेम वर्क ही करना है, रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री एंड द फॉर्मेट आल्सो इन द फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। माय व्हाट्सएप नंबर आर हियर 9416586639। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।